क्या हम तैयारियां? तो हरियाणा के साथ ही अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहे दुरुस्त आए, चुनाव तो घोषित होना ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बाध्यता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, और ये जो 9 महीने का 10 महीने का इस राजस्थान की भाजपा की पर्ची सरकार का जो कार्यकाल गया है, लोग पूरी तरीके से निराश हैं, पूरे तरीके से परेशान हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने बनाई थी सरकार, बन गया सर्कस, आए दिन हर ऑर्डर यू टर्न, आपस में झगड़े, मंत्रियों का पता नहीं कौन है, कैसे है, कहाँ से सरकार चल रही है, कहाँ से नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट में भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, जबरदस्ती इनमें झगड़ा है, जनता की कोई परवाह नहीं। आप देखिए, अकेले शिक्षा विभाग में 9 ऑर्डर ऐसे हुए 9 महीने में जो 9 बार यू टर्न हुए, और आज तो आपने देखा होगा कि 1 घंटे में ही वापिस, और कल आपने UDH का देखा होगा, 1 घंटे में, रात रात में वापिस बदल गया। तो लोग कह रहे हैं कि हमने काम के लिए बनाया था, लेकिन ये शेर सपाटे की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को लेकर के और विदेश भ्रमण पे हैं, कह रहे हैं हम इन्वेस्ट ला रहे हैं, तो कहाँ से ला रहे हैं, इनको पता ही नहीं इन्वेस्ट आता कहाँ से है, और ऐसे घूमने से इन्वेस्ट आता है, इनकी कोई मीटिंग तय नहीं है वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी की किसी तरीके की कोई मीटिंग तय नहीं है, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचा लिया, अपने हिंदुस्तान के लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचा लिया, तो ये लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें, स्थिति जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी, ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ। दिल्ली हाईकमान करता है, अगर हाईकमान हमें किसी भी तरीके का कोई अलायंस का फैसला बताएगा, निर्देश देगा, तो हम उसकी पालना करेंगे, नहीं तो हम 7 जगह चुनाव लड़ेंगे। भर्तियों को लेकर कैलेंडर आज जारी करते हुए सरकार ने उसकी वाहवाही दी है। कैलेंडर देखिए जारी करें अच्छी बात है, लेकिन इस कैलेंडर पे कायम रहें, क्योंकि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है, पर्ची सरकार के साथ साथ फिर सर्कस बना, अब यूटर्न सरकार बन रही है, तो कहीं यूटर्न नहीं ले लें, ये हमें चिंता है। बाकी तो अच्छी बात है अगर ये निकाल करके भर्ती ईमानदारी के साथ में कराएं, जिस तरीके के आरोप हम पे लगाए थे, और जो पेपर लीक मान लीजिए चाहे पहले के सरकार BJP की हो कांग्रेस की हो गए थे, तो वो नहीं अगर होने देंगे तो ठीक है, अच्छी बात होगी, देखेंगे।